जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 7 आओ पानी को समझे, आओ पानी को समझे को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आओ जाने पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, आओ जाने पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। बरसात के पानी का बहुत सा भाग नदियों नालों में बहता हुआ समुद्रों तक जाता है। बरसात के पानी का बहुत सा भाग नदियों नालों में बहता हुआ समुद्रों तक जाता है। कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब बरसात का कुछ पानी तो भाप बनकर वापस उड़ जाता है और बरसात के पानी का बहुत सारा भाग तो नदियों नालों में बहता हुआ समुद्रों तक जाता है। ठीक है, ये देखो नीचे चित्र है, दिखाई दे रहे ना, कुएं से तालाब से हैंडपम्प से पानी निकाल रहे ना, ये बरसात का पानी नदी में है। ठीक है, कुछ पानी धरती में समा जाता है और कुछ पानी जो है धरती में समा जाता है। यही पानी धरती के अंदर इकट्ठा होता है। इसी पानी को हम हैंडपम्प नलकूप या कुओं के माध्यम से बाहर निकालकर पीने व अन्य कार्यों में उपयोग लेते हैं। बरसात का कुछ पानी जो है धरती में समा जाता है और यही पानी धरती के अंदर इकट्ठा होता है। इसी पानी को हम हैंडपम्प नलकूप या कुओं के माध्यम से बाहर निकालकर पीने व अन्य कार्यों में उपयोग लेते हैं ठीक है। अब नीचे क्या है, सोचिए और बताइए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हल हमें करना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इन चित्रों में देखो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें जल के स्रोत दिखाई दे रहे हैं। जल के स्रोत क्या है, बरसात से हमें जल मिलता है। बरसात हो रही है ना, जल मिल रहा है, तो एक तो हमें बरसात से जल मिलता है। फिर कुएं से जल निकाला जा रहा है, फिर तीसरा क्या है, हैंडपम्प के द्वारा जल निकाला जा रहा है। फिर तालाब से जल भरा जा रहा है, ये कहाँ से जल भरा जा रहा है, तालाब से। ठीक है ना, तो इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जल के स्रोत। एक तो बरसात से पानी मिल रहा है, कुएं से हैंडपम्प से और तालाब से पानी लिया जा रहा है। फिर आगे हम बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या है अगला प्रश्न, आपके यहाँ किस स्रोत से पानी प्राप्त होता है। तो उत्तर हमें क्या लिखना है, हमारे यहाँ हैंडपम्प नलकूप तथा कुओं आदि स्रोतों से पानी प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न क्या है, आपके घर में पीने के पानी को कैसे साफ़ किया जाता है। तो उत्तर क्या लिखना हमें, हमारे घर में पीने के पानी को छानकर उबालकर फिटकरी द्वारा तथा फिल्टर मशीन से साफ़ किया जाता है। ठीक है, क्या है, हमारे घर में पीने के पानी को छानकर उबालकर फिटकरी द्वारा तथा फिल्टर मशीन से साफ़ किया जाता है। ठीक है, फिर आठवां प्रश्न क्या है, बच्चों बरसात का पानी कहाँ जाता है और हमें कहाँ मिलता है। तो उत्तर क्या लिखना हमें, बरसात के पानी का बहुत सा भाग नदियों नालों में बहता हुआ समुद्रों तक जाता है। कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और कुछ पानी धरती में समा जाता है। यही पानी धरती के अंदर इकट्ठा होता है।
इसी पानी को हम हैंडपम्प, नलकूप या कुओं के माध्यम से बाहर निकालकर पीने व अन्य कार्यों में उपयोग लेते हैं। कुछ पानी तालाबों, झीलों व बांधों में एकत्रित हो जाता है जो हमारे सिंचाई व पीने के काम में आता है ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।